चार गन मिलेगी आपको, दिखेगी ठीक है। उतरते जो भी चार गन दिखेगी उनमें से आपको दो गन चलानी है, वो चार गन तो और मेरे भाई लोग, कोई क्या भी हाल गन चाल है नहीं यार। है। अब आपने सुन ही लिया होगा कि बुगी ने क्या बोला है। तो बुगी ने असल में मेरे को चैलेंज दिया था कि फारो भाई देखो, उधरते ही आपको जो पहले चार गन मिलेंगी उनमें से ही आपको कोई दो गन चलानी है, और एक बार अपने आपने दो गन चला ली तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे को भी मिल गई भाई AKM। अब देखो यहां पर मैं नॉक हो गया हूं लेकिन बुगी मेरे को बचा लेगा। लेकिन तुम एक चीज नोटिस करोगे कि मेरी दूसरी गन जो है वो मोजिन नगानेट थी। मैंने वो क्यों चेंज कर ली? क्योंकि मैंने वो गन चला ही नहीं, तो इस वजह से मैंने DBS चूज करी अपनी सेकंड गन के तौर पे। मेरे पास अभी भी दो ऑप्शंस हैं अगर मैं DBS नहीं चलाता हूं तो, जो कि ऑफ कोर्स मैं चलाने वाला मैंने तो हूं लगा दी क्योंकि मेरा AKM क्या के साथ मेरे को भाई, कोई तो सॉलिड गन चाहिए रहेगी ना। क्योंकि लाइफ अब तुम मैटर्स। लोग सोच रहे होगे कि चलो ठीक है फारूक भाई, तुम AKM DBS चलाने वाले हो, लेकिन चैलेंज का मतलब प्राइस क्या है? तो बुगी ने मेरे को बोला था कि अगर ये चैलेंज मैं कंप्लीट करता हूँ तो वो मेरे को एक क्रेट ओपनिंग स्पॉन्सर करेगा जिसकी लिमिट होगी 10। अब मुझे नहीं पता ये बंदा अपना वादा निभाएगा कि नहीं, लेकिन तुम ये देखो भाई। ओ भाई गाइस, मैंने कितना मस्त क्लच वहां पर अटेम्प्ट करा है यार। ये वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है, तो फटाफट से लाइक कर लो। सोचो अगर वहां पर मैंने उस बंदे को मार दिया होता ना भाई, हाय 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 भाई, वन ऑफ द बेस्ट क्लचेस होते मेरे वो। अब देखो क्योंकि हमने मतलब चैलेंज तो बना लिया था लेकिन रूल्स डिसाइड नहीं करे थे ज्यादा, तो हमको पता ही नहीं था उस टाइम पे, ध्यान ही नहीं दिया कि भाई गेम में मल्टीपल रिवाइव आते हैं, तो अगर मैं मर गया तो ये तो कैसे मैं सिचुएशन बेस्ट रहेगी। है। मैं तो चाह रहा था कि बुग्गी ऐसा बोल दे कि जब आप रिस्पॉन हो गए तो चैलेंज रीसेट हो जाएगा, बट ये बड़ा कमीना बंदा है भाई, इसने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बुग्गी ने मेरे को ये बोला कि चलो ठीक है, जब तक तुमको गन्स नहीं मिल पा रही है तब तक चला लो काम, लेकिन कोशिश करो कि बता रहा ज्यादा है। से ज्यादा किल्स इग्नोर करो। और ये बात मैं सुनने वाला नहीं था तो मैंने एक किल निकाली, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मैं किल्स निकाल रहा हूँ वो करेंसी इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं शॉप से जाके DBS और AKM खरीद सकूँ, क्योंकि वो दोनों गन बहुत पावरफुल हैं और उससे आराम से मैं चैलेंज कंप्लीट कर लूंगा। और यहाँ पर सवाल भाई 10,000 का है, तो मैं तो नहीं पीछे हटने वाला इस चैलेंज से। अब देखो इसको मैंने फिनिश कर दिया और मेरे पास मतलब ठीक ठाक पैसे हो गए थे, लेकिन अभी भी इतने नहीं हुए थे कि मैं गन्स खरीद सकूं। तो यहां पर मैं आया एक और स्क्वाड के ऊपर रश करने। अब DBS नहीं मिली थी तो मैंने S12 चलाने की सोची। अब मैंने एक नॉक निकाला लेकिन तभी ग्रेनेड आया बुगी का, भाई मैं हो गया नॉक। अब बुगी ने मेरे को बचा तो लिया लेकिन जानते हो यहां से उसने 6 किल निकाल लिया भाई, मेरे 6 किल थे ये, बताए मेरे 6 किल। चल जो भी हो, मेरे को 2 किल मिले और इतना करेंसी मिल गया कि जाके मैं अपने लिए AKM खरीद सकूं, और यहीं से ही मेरे को DBS भी मिल गई पड़ी हुई। तो मेरा लोड आउट वापस से रेडी हो गया था, अब मेरे को और कुछ चाहिए भी नहीं था, तो मैंने जितना भी बाकी पैसे बच रहे थे वो बुग्गी को दे दिया कि जा ऐश कर। अब मुझे चाहिए थे किल्स क्योंकि गेम प्ले बनाना है और चैलेंज भी कंप्लीट करना था, क्योंकि भाई 10,000 जेब में आना था। अब यहां से देखो गेम प्ले की असली शुरुआत होती है। अगर तुम बैठे हो ना अभी तक, तो अब तुमको चैलेंज का मजा आएगा, क्योंकि अभी तक तो यार कुछ भी हो रहा था, अब यहां से प्रॉपर चैलेंज है क्योंकि कोई और लाइफ बची भी नहीं है। मेरे फेवर में जानते हो सबसे बड़ी बात क्या थी कि बुग्गी ने कोई किल का कैप नहीं लगाया था उसको लगाना चाहिए था, उसने कोई किल का कैप नहीं लगाया था कि मेरे को एटलीस्ट इतने किल करने ही करने, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बस बोला था कि गन्स के साथ चिकन निकालो। अगर उसने बोल दिया होता कि 20 किल भी निकालो तब तो मैं खत्म था ही था, तो मेरे को किल्स वगैरह का उतना टेंशन नहीं था। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाओ बिना चीटिंग करे, वीडियो के एंड तक नहीं जाना है आपको, तो कमेंट्स में जाके गेस करो कि क्या ये चैलेंज में कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं, क्या मेरे को 10,000 मिल पाएंगे या फिर नहीं, और क्या अगर मैंने चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो बुग्गी अपना वादा निभाएगा, क्योंकि एक वादा मेरे से स्कूबी ने भी किया था बट उसने भी नहीं निभाया था। और बुग्गी और स्कूबी काफी सिमिलर नेम है वैसे, ये देखो कैंपिंग नेक्स्ट लेवल है भाई, मतलब हद खत्म है यार। भाई 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 ये लोग फिनिश करते हैं भाई। अब देखो भाई
इधर मैंने थोड़ी देर के लिए गोटे मुंह में आ गए थे, लेकिन किसी तरीके से हमने संभाल लिया। उसके बाद हम यहाँ से निकलने वाले थे, गाड़ी हमको उठानी थी गैराज से, लेकिन यहाँ पर कुछ और बंदे आ गए, तो हमने सोचा कि चलो चलते फिरते इनको भी ठिकाने लगा देते हैं। बट हमने ये नहीं सोचा था कि हालात इतने नाजुक हो जाएंगे भाई। इधर अब भाई मानो ना मानो, AKM M4 को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकती भाई। मतलब इस गन का रिकॉइल किक थोड़ा ऐसा है कि आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो उतना लेजर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अटैचमेंट्स लगा के आप इसे M4 की तरह कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, और स्कोप लगाते ये गन का रिकॉइल काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अब देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मेरे 12 किल हो चुके हैं और हमारे पास एक स्क्वाड है। इस स्क्वाड में कितने बंदे हैं इस बात की इन्फो हमको नहीं है, और मेरी हेल्थ काफी लो थी जिसको मैंने रिकवर कर लिया। बुक की नॉक पड़ा है जिसे मुझे रिवाइव देना है, और बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है। बट DPS है तो सब कुछ मुमकिन है। अब मैं गया बुग्गी को रिवाइव करने, लेकिन मुझे अभी भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर और कितने बंदे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि ग्रेनेड या मॉली ना आ जाए, क्योंकि मेरे पास ही एक बंदा घूम रहा है जिसका फुटस्टेप हम दोनों को आ रहा है। अरे भाई भाई FPP में स्मोक के अंदर बहुत ज्यादा दिखता है, पता है इस चीज को फिक्स करना चाहिए पीछे माइक को। वेल जो भी हो, इस चीज को वो फिक्स कर भी नहीं सकते, क्योंकि FPP में हम अपने करेक्टर की आंखों से देख रहे होते हैं एक तरह से, और TPP में कैमरा दूर रहता है, तो सीधी सी बात है कि FPP में आपको स्मोक के अंदर ज्यादा दिखाई देगा। ये मतलब रियलिस्टिक है लेकिन ऑकवर्ड है। वेल जो भी हो, तुमको लग रहा हो कि मैं DVS का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जरा ये देखना। अरे सालो दो नॉक भाई दो। अब बारी है उस US वाले की, मतलब पूरा स्क्वाड है तो चढ़ जाओगे क्या हम पे? भाई बुगी का रिएक्शन एकदम परफेक्ट हो पता है, ये बंदा वाकई में रो दिया होगा, क्योंकि कौन ही गाड़ी चलाते चलाते DPS में मरता है भाई। वेल जो भी हो, हमने इनका पेटी पार्टी लूटी, उसके बाद हम वापस अपार्टमेंट गए, क्योंकि यहाँ पर बंदे थे यार। अब आई थिंक ये स्क्वाड का आखिरी बचा हुआ बंदा था जो कि कुछ खास कर नहीं सका और मेरे ग्रेनेड का शिकार हो गया। तो अपार्टमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से खाली हो चुका था, थोड़ा बहुत हमने लूटा, फिर और बंदों को ढूंढने के लिए हम थोड़ा गाड़ी में घूमने लगे। और अब तुमको दिखने वाला है कि DPS क्यों ओवर पावर्ड है। भाई ये शॉटगन है और ये AKM है भाई, क्या गंदा चला रहा हूँ मैं दोनों गन। वेल जो भी हो भाई, यहाँ पर ये तीन बंदे इतनी तेज साफ हुए हैं ना, और तीनों अजीबो गरीब गन से। अब देखो बुक यहाँ पर मेरे को समझा रहा था कि ओम मिल भी गई तो भी आप नहीं चला सकते, कुर्बानी देनी पड़ेगी, और भाई वाकई में ओम है पता है गेम के अंदर। हुआ क्या, हम इधर आए तेल भरवाने गाड़ी में, मेरे पास कॉइन नहीं था ना ही कोई गैस कैन था, तो हमारी गाड़ी यहीं खड़ी रह गई। अब मैं क्या करता फ्री टाइम में, तो मैं मस्ती करने लगा। मैं ऊपर आया छत पे, आसपास देखा, मेरे को कोई दिखा नहीं, लेकिन तभी एक गाड़ी आई। अब मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरे को देख लिया है और वो गाड़ी मोड़ के निकल गया। अब
अब यहाँ पर मैं बुग्गी को बोल रहा था गाड़ी लाओ गाड़ी लाओ, क्योंकि मेरे को लग रहा था उसने फ्यूल भर दिया है क्योंकि थोड़ा गाड़ी चला रहा था, बट असल में गाड़ी में जरा सा जो फ्यूल बचा था वो भी खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर रश तो कर नहीं सकते थे, तो हम इस उम्मीद से बैठे हुए थे कि शायद वो गाड़ी वाला हमारे ऊपर रश करने की सोचे। अब वो आ तो रहा था लेकिन हमारे डायरेक्शन में नहीं। अब मैं बुगी से बोला कि वो रोड की तरफ आएगा, तो मैं उधर ही मार्क करा, बट वो पहले ही रुक गया एक कंपाउंड पे और कोई फायरिंग भी नहीं आई। तो मैं समझ गया भाई ये पूरी स्क्वाड है जो उस कंपाउंड को होल्ड कर रही है, क्योंकि जोन तो यहीं का ही बन रहा है ना। अब अच्छा आगे वहीं पे सुनो, फायर मत देना, हौले हौले चलेंगे, शिफ्ट वॉक करो भाई वैलोरेंट वाले। अब देखो यहाँ चुपचाप स्निक इन करते हुए हम उनके करीब तो आ गए, लेकिन पुश करने की हिम्मत किसी को भी नहीं है, क्योंकि भैया देखो मेरे और कंपाउंड के बीच में खुला इलाका है, कोई कवर नहीं है, कुछ नहीं है, स्मोक डाला हमारी पोजीशन रिवील हो जाएगी, तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं ज्यादा। तो हमने यूज करा प्रॉक्सी स्कॉट डिवाइस और उसका इस्तेमाल करके इन बंदों की लोकेशन निकाली। अब पुग्गी मेरे को कह रहा है एंगल है मारो मारो, अरे घंटे का एंगल है। अब यहाँ पर देखो हम सोच रहे थे कि चलो पुश कर ही देते क्योंकि कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, हमारा प्लान था कि वो गाड़ी पे आएंगे उनको बैठ के मार देंगे, बट उनका प्लान था ही नहीं गाड़ी में बैठने का, कंपाउंड जोन के अंदर है वो क्यों ही मूव करेंगे। लेकिन हमारी किस्मत का सितारा तब चमका जब नदी किनारे एक वॉच टावर है जस्ट इनके पीछे, वहां पर एक टीम आ गई और इस टीम ने उनके ऊपर पुश करने का डिसाइड करा और वही थी हमारे लिए ओपनिंग। अब इनका ध्यान भटा हुआ था और मुझे मिला एक फ्री नॉक। आपको देख रहा है यहाँ से। भाई क्या चिपकी है गेम। अब तुम देख सकते हो कि सामने की तरफ फायरिंग हो रही है, ये इसी के टीममेट्स थे जो कि यहाँ पर थे ही नहीं क्योंकि वो पीछे लड़ने चले गए थे। अब मुझे नहीं पता वहां पर किसने किसको मारा, कितने बंदे थे, बट मुझे इतना पता है कि एक बंदा जस्ट मेरे नीचे है और ये बेचारा अकेला है, इसको कोई रिवाइव करने नहीं आने वाला। अब सामने से AWM चल रही थी तो मेरी थोड़ी सी फट तो रही थी, तो भाई मैंने बुग्गी से बोला भाई ये काम कर, तो अपना वो जो भी करता है वो कर, उनकी लोकेशन निकाल, मुझे बताओ कहाँ कहाँ है। तो बुग्गी भाई बीइंग अ चैट उन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। भाई लड्डू की तरह जा रहा है, इतना मोटा कॉस्ट्यूम पहनता है भाई, देख लो बर्फ का गोला है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक बहुत गंदा नॉक निकाला भाई, लेकिन उसको फिनिश करने के लिए मेरे को पुश करना पड़ेगा और मेरी फट इस वजह से रही है क्योंकि एक AWM वाला है यहाँ कहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है बट यहीं पर ही है कहीं। अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, हमको पुश करना था, बट बुग्गी के दिमाग में आया एक कीड़ा, उसने कहा फारो भाई नेड गुक करो, बट बंदा ऊपर की जगह नीचे था। अब ये किल मुझे नहीं मिला, सामने से चुरा लिया गया और ये इस गेम की आखिरी बची हुई स्क्वाड थी, तो अब हमारा सामना लाइक स्क्वाड वी स्क्वाड होने वाला था। लेकिन अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुमको बताऊं कि इस मैच का चिकन डिनर का जो कॉस्ट है वो है 10,000 रुपए, जो कि पुग्गी भाई को देना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बुग्गी इधर थोड़ा सा बायस्ड हुआ, मुझे जानबूझ के वो हरवाने में लगा। अब देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। हुआ ये कि मेरे पास AKM थी और सामने वालों के पास AWM, M4, SCAR-L, मतलब मेरे को ठोकने का सारा इंतजाम था उनके पास, तो ऐसे में बुग्गी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था कि बुग्गी मेरे को रिवाइव देगा। अब बुग्गी बीइंग बुग्गी भाई साहब M24 चला रहे हैं AWM के अगेंस्ट, अबे एड़े मर पाएगा क्या मेरे को। अब ये बुग्गी का कॉल तो बहुत बढ़िया था, बट मेरी AKM कनेक्ट ही नहीं हुई यार। लकली बुग्गी ने एक नॉक निकाल दिया, तो सिचुएशन
2v2 की थी, तो कह सकते हो कि हम तो जीतेंगे क्योंकि जोन हमारे पास है, लेकिन उनके पास भी AWM है जिसको हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। अब मेरे पड़ी AWM और तभी बुग्गी के दिमाग में आया कि उसे वॉच टावर के ऊपर जाना है, और भाई साहब नॉक, नॉक तो छोड़ो फिनिश भी हो गए। भाई मैं इसके भरोसे बैठा था कि अगर AWM से नॉक होता हूं तो ये बंदा मेरे को रिवाइव देगा, अभी मैं लड़ूंगा कैसे सामने वालों से? भाई मैं पीक ही नहीं ले सकता। वाह ठीक है भाई, और डरा ले तू मेरे को। भाई DPS है AKM है, मैं कैसे लड़ूं इनसे? बट पीक तो लेनी पड़ेगी क्योंकि चिकन डिनर चाहिए भाई, ग्रेट ओपनिंग के लिए 10,000 चाहिए भाई। नहीं आखिरी बच रहा था यार। तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ कि बुगी ने जानबूझ के वहां पर अपनी लाइफ गिव अवे करी है क्या? मेरे को लग रहा भाई कि इसने जानबूझ के उधर नॉक फिनिश हुआ है यार।